अच्छा आज नमस्कार श्री दास जी। नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि श्री सात्विक दास फिजी के बहुत ही मशहूर शिक्षक और संगीत के क्षेत्र में श्री दास जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है और अभी इस वक्त ये सिडनी में है, कुछ दिन के लिए घूमने आए हैं और हर वक्त जब ये सिडनी आते हैं तो मैं मेरे उनसे मिलते हैं और मैं जब फिजी जाता हूँ श्री दास जी को ज़रूर मिलता हूँ। मैं श्री दास जी को बहुत जमाने से जानता हूँ, मुझे ख्याल है कि मेरे बड़े भाई श्री केशव नायर जो फिजी के बहुत ही मशहूर कलाकार थे और उनके साथ में श्री दास जी तबला बजाया करते थे और कई ऐसे प्रोग्रामों में इन्होंने उनके साथ तबला पर दिया और केशव नायर से भी मैं बहुत इनके विषय में सुना और फिर बाद में मेरा गुरु भी हो गया। जब मैं नसीनू टीचर्स कॉलेज में शिक्षा के लिए गया, एक टीचर बनने के लिए गया तो मैं इनके नीचे संगीत सीखा, पहले तो प्री सेविस में सीखा, फिर बाद में मुझे एक साल का इन सेविस 1979 में मिला और इनका हाथ इसमें काफ़ी बड़ा था, इनका रिकमेंडेशन था तो फिर इनके साथ में हमने एक साल तक संगीत की शिक्षा ली और उस समय से जो हमारा रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ हो गया और एक दोस्त के नाते से भी आप देखेंगे और एक गुरु और शिष्य का जो नाता है वो भी हमारे है इनके साथ में। और बहुत ही आज खुशी की बात है कि आज इनसे मेरी मुलाकात हो सका और मैं सोचा कि एक छोटा सा इंटरव्यू क्यों ना इनको ले लूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका हरदम मिलता ही नहीं। तो चलो चलो श्री दास जी, आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और बड़ी खुशी की बात है जैसे मैंने कहा कि आप आए हैं सिडनी और कई लोगों से मिले, कई कलाकारों की उम्मीदें को आप बुलंद किए और आपने बाद में और मैं बात करूँगा आपके शिक्षा और दीक्षा के विषय में, तो आप अपने विषय में कुछ कहिए, आपने परिवार के विषय में कुछ कही और आप, मैं जानता हूँ कि गिल्लो और नंदी से आते हैं। जी हाँ, पहले तो इंद्रन जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और नमस्ते भी कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लगभग अभी कोई 30, 35 या 40 साल भी हो गया होगा हम दोनों का जब से संपर्क हुआ है। आपने पूछा मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में कुछ कहने के लिए, वैसे तो बहुत कुछ है, आप तो सुनते आए रहे हैं कि गिल्लोवा म्यूज़िक क्लब जो है, गिल्लोवा जो विलेज है वहाँ के है और ये खास करके हमारा एक फैमिली यूनिट था जिन्होंने इस क्लब को मतलब उसका संचालन किया और नाम जो है गिल्लोवा का जो म्यूज़िक क्लब जो है हमारे भाई लगते थे देवदास रूबन, वो मेथोडिस्ट का पादरी था, उन्होंने ये मंडली का नाम गिल्लोवा म्यूज़िक क्लब दिया और इन्हें चुने लोगों को बटोर कर वो अपना संगीत शिक्षा जो है वो सिखा रहे थे। और फिर रहा सवाल मेरे फैमिली का, हमारे फैमिली जो है जैसे माँ के तरफ से भी गाने वाले हैं, मेरे मामा तो बहुत अच्छा गाते हैं, आपको याद होगा कि रामकृष्णा जो मेरा ऑफिस में थे उनका जो पिताजी अभी जल्दी उनका देहांत हुआ, मैं सुना उनके, वो बहुत ही अच्छा गाने वाले थे, खास करके साउथ इंडियन गाना और हिंदी भजन भी गाते थे। और मेरे जो ग्रैंड मदर थी वो कहते हैं कि वो तो बहुत दुरंधर संगीतज्ञ थी लेकिन मुझे कभी अवसर नहीं मिला उनको सुनने के लिए, क्योंकि मैं जब 4-5 साल का था तब उनका देहांत हो गया, लेकिन औरों से मैं सुनती आया हूँ कि वो बहुत ही अच्छा गाने वाली थी, उस वक्त उस जमाने की एक अच्छे कलाकार थी, कहीं भी शादी में वो मिस नहीं करती थी, जाके शादी का जो गाना होता था कीर्तन भजन करती थी, शादी का गाना गाती थी साउथ इंडियन गाना। और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं विरासत में जो मिलता है, जैसे हमारे काका दो
बाल कृष्ण दास पंडित, उनका भी देहांत जल्दी अभी हो गया कनाडा में, तो उनके साल का जो क्रिया था उसके लिए मैं आया हूँ इस वर्ष। और मेरा जो औदय काका जो शशिया दास था वो भी, ये दोनों मिलकर कव्वाली और तंबूरा भजन ये सब गाते थे। और शशिया के पास तो पुराना ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड होता है वो उनके पास फेस था। मैंने सुना था कि नाम जो है कालू कव्वाल जो है, और कैसी डे, ज्योतिका रोए, पंकज मलिक, खेल सागर और जगमोहन, इन सब का रिकॉर्ड उनके पास था। अच्छा। तो हम लोग बचपन से ये सुनते आए थे। अच्छा। तो संगीत का जो मतलब वो माहौल था, क्योंकि पिताजी घर में पिताजी भी बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेकिन इसे पब्लिक में उन्होंने गाया नहीं। कभी कभी उसका मूड अच्छा रहता था तो घर पे बैठकर अपने गा लेते थे, और अच्छा आवाज भी था उनका पिताजी का। तो मेरे भाई जो बालसुंदरम दास है वो तो हमारे फैमिली में समझो कि संगीत का जो आवाज जैसे कहते हैं उन्हीं के पास था। और वो अपने बाल अवस्था में बहुत अच्छा गाते थे, मोहम्मद रफी का गाना और के सागर का गाना, और ज़्यादा करके मैं ही उनके साथ तबला बजाया करता था। तो ऐसे हमारे जो परिवार है वो संगीत में परिवार है। और इसलिए जब हम लोग क्लब में, हम तो बलराम दास और सीताराम मिलकर क्लब को बहुत दिन चलाए। सीताराम मैनेजर थे और बलराम दास क्लेरिन बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, गाना भी गाते थे। ये दोनों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत उठाया क्लब को। फिर मैं सीन में आया हूँ, हमारे भाई एस के दास भी आया है, और भी भाई और कजन सब आए, गोपाल कृष्णा जो मैंडोलिन बजाते हैं वो भी साथ में थे, रमैया जी जो थे मास्टर, हमारे फुआ लड़का भी नहीं है हमारे ना, वो गुजर गया, लेकिन वो भी साथ देते थे। और जब मैं हिंदुस्तान से लौटा शादी करके, तो मेरे जो वाइफ है श्रद्धा, उनका भी सहयोग रहा। तो इस तरह से गिरलावा म्यूजिक क्लब जो है बहुत बहुत आगे बढ़ा और लोगों के दिल पे छा गया। और आज तक आपकी, जब हम गिरलावा के नाम से प्रोग्राम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग याद करते हैं जी, क्योंकि बलराम दास सिडनी आ गए, गोपाल मेलबर्न चला गया और कुछ गुजर गए, मेरे भाई बूढ़े हो गए और सीताराम भी न्यूजीलैंड चला गया। तो इस तरह से ये बंटवारा हो जाने के कारण से हम अब उस क्लब को चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो लोग बड़े श्रद्धा से प्रेम से गिरलावा के नाम लेते हैं। तो ये रहा परिवार का ये जो छोटा सा हिस्ट्री, वैसे तो बहुत कुछ है, जैसे जैसे आप मुझे पूछते जाएंगे मैं बताते रहूँगा। अच्छा तो बड़ा दिलचस्प गिरलावा के विषय में जो आपने कहा वो बड़ा दिलचस्प कहानी हमने सुना। और फिर आप मेरे ख्याल से अपना जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में फिर क्या किया आपने? देखिए नरेंद्र जी, मेरा सेकेंडरी स्कूल का तो जो एजुकेशन था वो तो बड़ा क्या बोलते हैं एक ट्रेजेडी था। अच्छा। क्योंकि मैं फॉर्म में जब था तो किसी कारणवश प्रिंसिपल ने मुझे पनिशमेंट दे दिया था जी। तो फिर मैं स्कूल से चला गया, लौट कर वापस स्कूल नहीं गया, लेकिन फिजी जूनियर मुझे करना था तो मैंने फिजी जूनियर किया, लेकिन मैं फिजी जूनियर में फेल हो गया जी। क्योंकि दिल से नहीं किया था जी। और फिर दूसरे फॉर्म फाइव में मुझे बुलाया था, और प्रिंसिपल ने खुद आके मुझे बुलाया था कि फॉर्म फाइव में इसको भेजो मेरे पेरेंट्स को, लेकिन मैंने ना कह दिया। उसके बाद मैंने सेकेंडरी स्कूल गया ही नहीं, तो मेरा एजुकेशन फॉर्म फोर तक का है। और जैसे मैंने जी हाँ, जैसे मैं स्कूल छोड़ा और गोपालन जी के पास मैं गया, मैं 16 ईयर्स का था, 16 साल का था जी। तो गोपालन जी से कहा कि आपके ऑफिस यहाँ खुलने वाला है, नई संगम स्कूल में भेजा का जगह है, आप कृपया मुझे काम के लीजिए, मुझे काम करना है। तो वो तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 साल पढ़ाया था, 2 साल मेरा स्कूल का फीस भरा था, गोपालन उन्हीं गोपालन ऑफिसर थे और संगम स्कूल का वो पहला प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल थे फीजी में। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा इंसान था, हम गरीब थे तो स्कूल जा नहीं पाते थे, फीस नहीं भर पाते थे,
और उन्होंने देखा और मैंने प्राइमरी स्कूल मैंने 6 साल सिर्फ किया, 2 क्लास मैंने नहीं किया है, क्लास 4 और क्लास 7। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत स्मार्ट था तो मैं जंप किया क्लास, और क्लास 7 में जब आया तो 1 साल में घर पे रहकर अपने गाय गोरु जो बोलते हैं हम लोग घर पे काम किया। फिर भी मैं घर पे रहना पसंद नहीं करता था, तो फिर गोपालन जी के पास गया कि मुझे स्कूल आना है और आप किसी भी ढंग से मुझे पढ़ाइए, तो उन्होंने मुझे मेरा फीस भर कर पढ़ाया। फिर जब सेकेंडरी स्कूल में आया तब भी वही प्रॉब्लम हुआ कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिल्डिंग फंड देना है, फीस देना है। तो हमारे पिताजी उस समय उसका इतना औकात नहीं था, तो पिताजी ने कहा कि देखो आप तो पढ़ लिए हो, अब घर पे रहो, गन्ना काटो, खेत में काम करो या घरू वगैरह देखो, फैमिली को मदद करो, कुछ काम। तो मैंने दौड़कर स्वामी जी के पास गया, स्वामी रुद्रानंद जी के पास। मैंने कहा स्वामी जी आप मुझे किसी भी तरह से पढ़ाइए, मुझे सेकेंडरी स्कूल जाना है। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, यहाँ रामकृष्ण मिशन ऑफिस है, सवेरे आके कुछ काम करो, शाम के कुछ काम करो, और मैं तुम्हें तुम्हारा फीस वगैरह सब मिशन के तरफ से भरूंगा। तो स्वामी रुद्रानंद जी ने मुझे 2 साल सेकेंडरी एजुकेशन दिलवाया, और मैं संगम ऑफिस में उस वक्त जागृति फैसिलिटी रिव्यू जो चपता था उसका लेवल्स बनाता था, और सुबह आके जल्दी जितने बस वगैरह बाहर लटोका और रेकी रेकी जाते थे उसमें उसको डिस्पैच बॉय में था देता था, और पोस्ट ऑफिस से लेटा वगैरह लाना सब मेरा काम था। फिर 12 बजे आके स्वामी जी के पास बैठ के मैं लंच करता था, फिर उसके बाद फिर शाम को 3:30 बजे से लेकर 8 बजे रात तक मैं आश्रम में काम करता था, कुछ भी जो छोटा मोटा काम होता था करता था। तो ऐसे मेरा 2 साल निकला, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी रेवरेंड रुद्रानंद जी महाराज को दूंगा कि जिसके कृपा से, जिसके असीम कृपा से आज जो भी कुछ मैं हूँ उनके कृपा से मैं हूँ। नहीं तो मेरा जो एजुकेशन शायद मैं आज भी कोई गन्ना कटिया रहता या कुछ और ऑर्डिनरी लेबर रहता। ये तो रह गया आपके आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन की, उसमें आप आगे बताइए कि आपके फिर भारत संगीत के लिए के कब जाना हुआ, कौन सा? जब मैं नैनी संगम स्कूल में ज्वाइन हुआ ऐसा वैसा, तो 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, उसके बाद मैं लाइसेंस टीचर बन गया, 4 साल मैं लाइसेंस टीचर प्राइमरी स्कूल नैनी संगम प्राइमरी में, और ये सिलसिला जारी रहा 1958 से लेकर 1962 तक। तो इस बीच में 1961 में स्वामी वल्लभ दास, स्वामी हरिप्रसाद जी और शंकर दास वगैरह फिजी आए वल्लभ संगीतालय के लिए कुछ फंड रेज करने के लिए, तो उनको मौका मिला मेरा तबला सुनने के लिए मेरे भाई के साथ बलराम दास जी के साथ बालसुंदरम दास के साथ, तो बहुत खुश हुए और स्वामी जी से कहा और एडी पटेल साहब से कहा और सुंदर जी कालीदास, ये 3 नांदी के मुख्य लोग थे, कहा कि ये एक लड़का है जिसमें संगीत ऐसा लगता है कि कूट कूट कर भरा हुआ है, और इसको क्यों नहीं आप लोग मेरे स्कूल में भेज दो और हम लोग फ्री शिक्षा इसको देंगे, खाना पानी सब देंगे, किसी भी हालत से इसको भेज दो, अगर ये 2-3 साल अच्छा से संगीत सीख लेगा तो ये फीजी के लिए बहुत काम का होगा। तो ऐसे मुझे भगवान के तरफ से प्रेरणा मिली और स्वामी वल्लभ दास, स्वामी हरिप्रसाद से फिर मेरा पहचान हुआ, तो वो लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम में रहते थे, मैं जाके स्वामी हरिप्रसाद से तबला सीखता था, वो मेरा पहला गुरु है, और इतना धुरंधर तबला वादक थे इंडिया के स्वामी हरिप्रसाद वल्लभ दास का चेला था, और वल्लभ दास भी धुरंधर संगीतज्ञ है, उसको आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है वल्लभ दास का। किसी भी किताब आप पढ़ेंगे म्यूजिक के बारे में तो उसमें कहीं ना कहीं आपके स्वामी वल्लभ दास का नाम मिलेगा, क्योंकि उस्ताद फयाज खान का वो शिष्य था, और उस्ताद फयाज खान भारत रत्न माना गया, संगीत रत्न माना गया हिंदुस्तान में, हम लोग तो उसका बहुत पुराने रिकॉर्ड सुना है, बोले जवाने पे जो गाते थे लोग को 3 घंटा 4 घंटा मुग्ध कर देते थे। तो ऐसे हुआ कि फिर बाद में लोगों ने फिर मुझे स्वामी वल्लभ दास के आश्रम भेजे, और वहाँ मैं 5 साल तक संगीत का अभ्यास किया, सितार का, तबला का,
वायलिन का भी मैंने किया और गाने का। इस बीच में मेरे कौन साल में आप इंडिया गए? 1962 अगस्त। अच्छा, तो वहाँ पे कौन सा विद्यालय में आप? स्वामी वल्लभदास का खुद का विद्यालय था, उसी सिलसिले में वो लोग आए थे। तो कितने साल तक आप वहाँ थे? मैं 5 साल और कुछ महीना था। तो उसमें आपने क्या शिक्षा लिया? इस बीच में मैंने सितार तो बाद में मैंने लिया था, पहले तो मैं वोकल का और तबला का लिया था। तो मेरा तबला गुरु जो त्रिम्बक जाधव अब तो रहे नहीं, उनके पास मैं 3 साल तक तबला का वादन सीखा और स्वामी हरि प्रसाद भी मुझे मदद करते थे। और मुंबई में एक पंडित तारानाथ जी थे, उनके पास भी जाके मैंने कुछ तबला सीखा। तो मेरे तबला का जो गुरु है, ये 3 गुरु बहुत अच्छे अच्छे गुरु, माने जाने वाले गुरु थे। और सितार में मैं त्रिम्बक के साथ कुछ दिन तक सीखा, जो मेरा तबला गुरु था। फिर मैं हिंदुस्तान के जो डागर ब्रदर्स के उनके फैमिली का जो है, जो तानसेन के घराना से अपना संबंध रखते हैं, उनके पास जाके मैं 2 साल रहकर सितार सीखा। जी, वल्लभ संगीतालय से मैं चला गया था उनके पास, वल्लभ संगीतालय भी जाते थे बट उनके पास रहकर मैंने सितार सीखा। तो सितार के जो खूबियाँ हैं वो सब मैंने उनके पास से सीखा। जिया मोहद्दीन डागर, वो भी आज नहीं रहे, कुछ दिन पहले वो सिएटल में संगीत लेक्चरर थे, तो उनका देहांत अमेरिका में हो गया। तो फिर कौन साल में, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिजी आया 69 में, तो मैं सितार जगह जगह पे फिजी में बजाया। जैसे जैसे मेरा नाम होने लगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सोचा कि एक म्यूजिक टीचर भी आया है, टीच भी कर सकता है, तो मुझे ऑफर किया MGM DAV गर्ल्स DAV बॉयज और इंडियन कॉलेज में ऐसा आइटिनेरेंट घूमने वाला म्यूजिक टीचर के रूप में। तो 69 और 70 मैंने ये 4 स्कूल में संगीत का शिक्षा दिया और साथ में मैं प्रोग्राम भी करते रहा और गाना भी लिखते गया। लेकिन उस वक्त मैंने गाना नहीं लिखा था, बाद में लिखा था सब। उस समय सितार का फिर मैंने रिप्रेजेंट किया, फिर सितारिस्ट में लंबासा गया 1969 में, जब सितार किसी ने देखा नहीं था। और फिजी के लोग भी किसी को बजाते, एक प्रभा देवी आई थी पहले, वो प्रोग्राम किया था, तो कुछ संगीतज्ञ जो है फिजी के वो देखे थे, लेकिन ज्यादा करके सितार का प्रमोशन मैंने किया, इसलिए काफी नाम मेरा हुआ फिजी में। तो सितार के साथ मैं गाना में, मुझे बहुत गाने का बहुत इंटरेस्ट नहीं था, तबला बजाने का बहुत इंटरेस्ट था, तबला भी मैं बजाता था। उस पीरियड में वेंकटेश्वरन जी जो इंडियन हाई कमिश्नर फिजी के लिए आए थे, उनके पत्नी आई थी, तो भरतनाट्यम डांसर थी, नृत्यकार थी, तो मुझसे कहा कि क्यों नहीं आप मेरे साथ सितार बजाओ मेरे प्रोग्राम में। तो मैंने उनके साथ भी जाके कभी कभी बजाया करता था। तो जब वेंकटेश्वरन जी ने देखा कि मैं सितार बजाता हूँ लेकिन अभी और मुझे सीख सकता हूँ, तो मुझसे पूछा कि क्यों नहीं तुम 1-2 साल के लिए फिर हिंदुस्तान चले जाओ। अच्छा। और हम तुमको स्कॉलरशिप दिला देंगे। तो मैंने कहा कि हाँ, यदि मुझे स्कॉलरशिप मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। तो वेंकटेश्वरन ने मुझे स्कॉलरशिप दिलाया, तो मैं हिंदुस्तान का जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उनका फर्स्ट फिजी रिसिपियंट है म्यूजिक स्कॉलरशिप का। तो एक हिस्टोरिकल बात भी होगी, दिल्ली में, मैं दिल्ली गया था, चॉइस था, कहीं भी जा सकते थे, तो मैंने दिल्ली चूज किया था। तो जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में सितार देवव्रत चौधरी, जो बहुत नामी है जी, तो वो मेरे टीचर थे। भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया और दिलीप चंद्रा वेदी, पंडित दिलीप चंद्रा वेदी जी, वो तो धुरंधर संगीतज्ञ, उसके पास में वोकल म्यूजिक सीखा। कुछ राग जैसे भैरव है, यमन है, मालकोस है, बसंत है, ऐसे राग उन्होंने मुझे 1 साल 8 महीना मैंने उनके पास सीखा। तो वो ज्ञान इतना अच्छा था कि वो मेरा, जैसे आई ओपनर बोलते ना, अंदर का जो संगीत का जो पहचान है और शक्ति है उसको जगाया। तो उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, देवव्रत चौधरी के आशीर्वाद से मैं इतना आगे पहुंचा। और आपको इधर में एक बात बता दूं कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो कश्मीर रेडियो स्टेशन में आधा घंटा सितार बजाया हूं। जी, कश्मीर जब घूमने के लिए ICCR के में
तो ये भी एक हिस्टोरिकल बात है। और मैंने 64 में बम्बई में साई बाबा को देखा, उस वक्त फिजी में साई बाबा का नाम कोई नहीं जानते थे। दर्शन किया तो हो सकता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो साई बाबा का दर्शन किया, हो सकता है। और भी लोग से जानते रहे होंगे, उसके 10 साल बाद फिजी में उनका नाम वगैरह हुआ। तो इसी तरह से जैसे हरिओम शरण है, उनके कितने जगह पे मेरे एक दोस्त थे प्रेमानंद, वो स्वामी रामदास का ग्रैंड चाइल्ड था, तो हमेशा भजन गाते थे। हरिओम शरण का बहुत भारी फैन था, तो बहुत जगह पे हम गए, तबला भी बजाया हरिओम शरण के साथ, गाना भी गाए, लेकिन गाना तो अच्छा से नहीं गाते थे, तबला तो बजाते थे। तो ऐसा हरिओम शरण के साथ भी किया। और कुछ कुछ और भी, सुधा मल्होत्रा एक बार गए किसी फंक्शन में, उनका तबला वाला नहीं आया था, तो मैं उनके साथ भी तबला बजाया। तो ऐसे बम्बई में जब रहा तो मुझे चांस मिलता था, और अच्छे अच्छे कलाकार जो है, मैंने दर्शन किया पंकज मलिक को, जिसका मैंने सपना देखता था फिजी में। पंकज मलिक, बड़े गुलाम अली खान, आमिर खान, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित विनायक राव पटवर्धन और ये जसराज वगैरह सब तो बाद में आए। सिद्धेश्वरी देवी और भीमसेन जोशी का तो भी बाद में आया था, उस वक्त उतना उनका नाम नहीं था, वही शुरुआत था उनका। फिर बाद में तो भीमसेन जोशी को भी दर्शन किया, और पंडित जसराज के साथ मैंने बहुत बार तानपुरा भी बजाया उनके प्रोग्राम में, और शिव कुमार शर्मा जो संतूर वाले हैं उनके साथ भी बजाया, और हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वाला उनके साथ भी मैं बजाया। ये तो सुनकर अचंभा लगेगा कि दास जी कैसे बजाए, क्योंकि मैं वल्लभ संगीतालय में स्टूडेंट था, तो ये लोग आके वहाँ प्रोग्राम देते थे, तो मुझे मौका लगता था कि इनके पीछे बैठ के तानपुरा बजाने के लिए। तो मैं खुलासा कर रहा हूँ कि कैसे मुझे मिला, लेकिन पंडित जसराज कभी कभी मुझे लेके जाते थे, उस पर वही वैस कमिंग अप क्लासिकल सिंगर। तो प्रवीण सुल्ताना जो है, ये लोग सब बाद में आए। अच्छा, ऐसे मोहम्मद रफी, मुकेश, जी हाँ, मुकेश से भी मुलाकात हुई जब लीला देवी सिंह आए थी हिंदुस्तान घूमने के लिए, तो उनके उनको लेकर हम मुकेश से भी मिले, लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। खैर कोई बात नहीं, मुकेश और स्टिक था नहीं, वो तो जैसे क्या बोलते हो कि फिल्म इंडस्ट्री वाले, उनका एक माहौल ऐसा रहता था कि एक्सक्लूसिव जो बोलते हो, साधारण लोगों का पहुंच नहीं था उन तक पहुंचने के लिए, उस वक्त ऐसे बिहेव करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज तो किसी से भी आप बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, टेलीफोन में बात कर सकते हो, सब खुलासा हो गया ना, उस वक्त ऐसे करते थे। तो मुकेश, फिर लीला देवी के वो लेकर हम हेमंत के घर पे गए, वहां पे हमने प्रदीप जी, पंडित प्रदीप जी से मिले, उनका पैर छुए, कैफी आजमी जी वहां पे थे, और अपना जो आए थे, नहीं नहीं प्रदीप जो गाना लिखते हैं, अच्छा, जो है तो महात्मा गांधी का डिसाइपल था, और मैंने उनसे कहा कि आपका गाना पिंजरे के पंछी फिजी में सुनते थे, और आज आपका दर्शन हो गया। तो मैंने उनसे अपना आशीर्वाद लिया, उनसे आशीर्वाद ली मैंने। फिर कैफी आजमी थे, जबन आजमी का जो पिताजी है, उनसे भी मुलाकात हुई। सुदर्शन अधिकार तो फिजी आए थे, और उनको तो मैं सुनता था, वो भी वहाँ पे थे, और ये लोग मिलकर अनुपमा का गाना बनाते थे, धीरे धीरे में चलते हम लोग, दिन भर हम और लीला देवी बैठ कर उस रिकॉर्डिंग को देखे कि कैसे वो एक लिखते हैं, एक ट्यून बनाते हैं, फिर उसमें कुछ काटते छाटते पीटते है ना, तो ऐसा करके फिर वो एक हफ्ता तक वो लोग किया, उस दिन जितना किए थे उतना किए। फिर और भी बम्बई का तो बहुत बातें हैं जो है। अच्छा, ये बात बताइए, बम्बई में आप थे तो आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट थे, तो ऐसे शायद बम्बई तो ऐसा जगह मैं घूमा हूँ कि पैसा बहुत, जिसके पास पैसा नहीं कोई काम धंधा है तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता, आपको ऐसे कुछ महसूस हुआ? मुझे मुश्किल तो होता था, लेकिन मैं वहाँ कुछ ट्यूशन भी करता था, मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जी। तो उस पैसा से मैं अपने आप को संभालता था, और ट्रेन का भाड़ा बहुत कम था, और मैटनी शोज जो 12 बजे दिखाते थे बहुत कम था, 4 आना 2 आना में देख सकते थे उस वक्त 60s में, और गली गली में जितना स्टेशन है आज तक मुझे नाम सब याद है, वो जो रूट है चर्च गेट से जो जाते हो, और विक्टोरिया टर्मिनस से जो जाता है,
कैसे दादर से चेंज करते, फिर कल्याण किस तरफ जाना है, और बराबा के घूमा मैंने, जिधर भी मेरे फ्रेंड्स थे, जहां भी प्रोग्राम होता था ट्रेन में ही जाते थे। तो आज भी मुझे बम्बई का गली गली याद है, लेकिन इतना है कि अब इतना चीज और बन गया है। अभी मैं 2 साल पहले गया था, अभी तो उसका जो 2 साल नहीं 4 साल हो गया, अभी ऊपर में ट्रेन चलेगा वो, हाँ वो सब हो गया, फ्लाई ओवर हो गया। जहाँ मैं चेंबूर में था उस जगह को भी नहीं जान पाया, जहाँ स्वामी जी का स्कूल था वहाँ भी इतना फ्लाई ओवर सब चेंज हो गया, वो भी पहचानने में बड़ा तकलीफ लगा। भाई भाई बिल्डिंग बन रहा है, कई बस्तियां ऐसे तोड़ी जाती है, वहाँ बिल्डिंग आता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग, मैं देखता हूँ कई स्टूडियो अभी टूट गए जो इसमें मैं गया। रास्ता भी अच्छा बना लिया, काफी अच्छा बना लिया, काफी इम्प्रूवमेंट है इंडिया में। तो चले संगीत की तरफ चले, कुछ फिर और कुछ पूछना। अच्छा तो फिर और भी मोहम्मद रफी साहब का या हेमंत कुमार से ऐसे कुछ? मोहम्मद रफी साहब के घर हम गए घूमने के लिए, रसीला जो गया और सीमा जी आए थे घूमने के लिए, तो हम लोग 3 गए थे, मिला तो नहीं मिलने नहीं दिया। फिर शंकर जय किशन का रिकॉर्डिंग था उसका, कौन सा फिल्म में भूल गया हूँ, तो हम स्टूडियो 8 दिन स्टूडियो गए थे तीनों, तो रफी साहब से मिले और बताए उनको कि आपके घर पे हम लोग आए, हम लोगों को तुम्हारा गेट कीपर मिलने नहीं दिया। तो बहुत बेचारा दुखी हो गए थे, बोले ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो आप लोग यदि मुझे फोन करके आते, हम लोगों ने फोन नहीं किया था उसको, तो फिर बहुत प्यार से मिले। फिर फिजी आए थे, मैं मिला था फिजी में भी, तो घर द्वार उनका तो हाँ, 7 बच्चे लेकिन उसमें कोई गाना नहीं गाते जी। किशोर कुमार से, किशोर कुमार से मुलाकात डायरेक्टली नहीं हुआ, कभी बातचीत नहीं हुआ, लेकिन फिजी जब आए थे तो मैं मिला था। परसोत्तम दास जलोटा जो जलोटा से उनके साथ तो बहुत परिचय था, वो जब जब भजन गाने के लिए आते थे तो अनूप जी 9 साल का लड़का था, उनके हाथ पकड़ के आके रंग भवन में जो ओपन एयर थिएटर है वहाँ बैठ के पिताजी के साथ गाना गाते थे अनूप जी। तो उस जमाने से मैं अनूप को जानता हूँ जी। हारमोनियम अच्छा बजाते हैं बहुत अच्छा, इंडिया में अगर कोई लाइट म्यूजिक में भजन में कोई अच्छा हारमोनियम बजाता हो तो अनूप वैसे है। सिर्फ हारमोनियम बजाने वाले तो बहुत है जी। एक से एक जो गाने में बजाते हैं, जिस तरह से तिया वगैरह लगाते हैं, जिस तरह से उनका चलन है, बहुत कम आर्टिस्ट कर पाते होंगे। वैसे तो मैं पाकिस्तान का गुलाम अली जी को भी बहुत पसंद करता हूँ, उनका भी हारमोनियम बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं, जब गाने के साथ वो बजाते हैं। तो ये सदा हुआ कलाकार लोग हैं ना, क्योंकि एक कूट कूट कर सुर को पहचान लिया है, और उसी तरह से जब दिमाग में सुर रहता है तो बजाने के लिए तकलीफ नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं कि साइकोमोटर स्किल्स एजुकेशन में ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ द माइंड एंड द मसल्स, जब वो आ जाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप भारत के कलाकार में अगर गजल वगैरह में किसको आप पसंद करते हैं? देखो इंद्रन जी, जब मैं फिजी में था मुझे के एल सहगल का गजल बहुत पसंद था और आज तक मुझे पसंद है। और रहा सवाल फेवरेट्स का, मेरा सब फेवरेट्स है, क्योंकि एक बगीचा में जैसे हम कहते हैं कि इतने फूल होता है, उसके रंग उसके खुशबू अलग अलग होता है, इसी तरह से हर कलाकार में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है जो उनसे हम सीख सकते हैं। और जब मेहंदी हसन गाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब गुलाम अली गाते तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी पंकज उदास का गाना भी बहुत अच्छा लगता है, सब गाना तो नहीं है, चलो जगजीत का तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे है भजन में, तो ऐसे देखा जाए तो छोटा पर से हम लोग भजन सुनते थे ज्योतिकार रोय का, ज्योतिकार रोय और कैसी थे सायगल भी भजो में तो भाव से श्री गिरिधर जी, ये सब गाना आज भी मास्टर पीसेस है। जो अभी वर्तमान समय में भजन जैसे गाते हैं जो लोग हरिओम शरण थे अनूप जलोटा जी, जैसे मैंने बताया कि 2 फूल है, हरिओम शरण का तो आवाज इतना स्वीट है, कोई भी चीज कहता है तो सुनने में अच्छा लगता है, और अनूप जी इतने क्लासिकल चीज जानते हैं, वो जैसा चाहो वैसा कर लेते हैं, और सांस का रोकना जैसे सुर में टिकना वो अनूप जी से कोई नहीं कर पाता है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो आप जो भारतीय कला केंद्र वहाँ से क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मिला? भारतीय कला केंद्र से मुझे संगीत
वारदी का मिला जो विशारद से आगे होता है उससे ऊपर ऊपर होता है और वल्लभ संगीतालय से मैं विशारद नहीं कर पाया बिकॉज मेरा टूट गया था सब ये सब जो लेनिंग ना था? तो मैंने डिप्लोमा से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट मैंने लिया डिप्लोमा और जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तब इस क्या बोलते हैं गंधर्व महाविद्यालय से तो मैंने परीक्षा किया विशारद का थ्योरी प्रैक्टिकल सब किया कर लिया जी हाँ वहाँ किया तो विशारद जो है बैचलर ऑफ म्यूजिक होता है तो और संगीत भारत जो है एक्सटेंशन ऑफ है ना जैसे हम लोग मास्टर्स वगैरह बोलते हैं जैसे प्रवीण प्रभाकर सुधाकर ये सब नाम दिया जाता है तो वारिधि संगीत वारिधि का मुझे भारतीय कला केंद्र से दिया गया लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी विशारद था या संगीत वाले कभी कहा नहीं किसी से आज किसी ने मुझसे कहा जब मैं पंडित का जब मुंबई में मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनसे कहा कि संगीत डिग्री और कॉलेज से भी नहीं बनता है क्योंकि पीजी में कुछ कुछ लोग ऐसे आए तो मैं उनको उनसे मिला अन्य लोग तो वो कहता जी हाँ तो वो मुझे कॉल करने लगा बोले मेरे पिताजी वो क्या कहते शंकर शंभू जो दो भाई थे तो उनके पिताजी के लिए किसी ने कहा मैं बोले मास्टर्स कर लिया दूसरे समय गया बोले गुरुजी मैं पीएचडी के लिए बोले बेटा आप रियाज करना शुरू कर दो तो रियाज भी बहुत जरूरी चीज है जैसे आपको उसको कायम रखना पड़ता है सुर का ज्ञान होना अच्छा आप फिजी जब आए तो फिजी में आपको और कई ऐसे कलाकारों के साथ में आप संगत दिए कईयों को सुना कितने कलाकारों के आप बहुत बार से नाम मिले कुछ ऐसे नामावली आप लेना चाहते हैं अच्छे कलाकार फिजी में तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार पहला तो जब मैं 69 70 में निखिल बनर्जी आए थे जो हिंदुस्तान के रविशंकर के लेवल का जो सितारिस्ट है उनके साथ महापुरुष मिश्रा भी आए थे वो तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था और इस देव चौधरी फिजी आए पाठेकर जो कल्चरल सेंटर में थे वो बहुत अच्छा गाते थे और ऐसे बहुत सारे फिल्म वाले तो आए फिल्म वाले का तो कोई हिसाब नहीं है ना मैं क्लासिकल सिंगर्स के बारे में कहता हूँ एन पी बालकृष्ण ने कहा था बहुत साल पहले साउथ इंडियन म्यूजिशियन संगम स्कूल में उनका प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छे थे और वोकल म्यूजिक में अभी रिसेंटली सविता आई थी जो पंडित किशन महाराज तबला बजाते उनकी पत्नी थी पहले अब नहीं है तो सुना उनका गाना बहुत अच्छा लगा वो सितार बजाती थी हम जब दिल्ली में थे तो श्रद्धा को मैं सिद्धेश्वरी देवी के पास लेके जाता था और सविता जी उनके पुत्री है तो मैं उनका सितार सुनता था तो फिर मैंने उनको एक गाना फिजी में सुनाया तो बहुत प्रेम से उन्होंने लिखा अभी थोड़े देर के बाद मैं प्रिया से वो गाना गवाऊंगा और आप लोग देखना तो उनको बहुत अच्छा लगा लिख के लेके गया बोले इसको मैं हिंदुस्तान में इसका मैं प्रभाव करूँगा अच्छा जी आप एक बात और मैं भूलना नहीं चाहता हूँ कि आपकी पत्नी जो श्रीमती श्रद्धा सत्विक दास जो बोलते हैं श्रद्धा जी बहुत बार मैं उनके गाना सुना रेडियो में सुनते थे लाइव म्यूजिक में कॉन्सर्ट में भी बहुत बार सुना और बहुत अच्छा गाती थी उस जमाने में जब मैं फिजी में था अभी कैसे अभी भी आवाज उनका वैसा ही है लेकिन मानसिक स्थिति जो है क्योंकि हमने बड़े पुत्र को खो दिया ना तब से वो बहुत बेचारी उनसे भेंट आपसे कहां पर कैसे हुआ वो तो बड़ा लंबा कहानी तो दो घंटे लगेंगे आपको बताने के लिए लेकिन दिल्ली में हम एक ही हॉस्टल में रहते थे और वो भारतीय कला केंद्र के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है कथक केंद्र उसमें बिरजू महाराज के पास डांस सीखती थी और मैं दिलीप चंद्रा वेदी के पास और देवव्रत के पास सितार सीखता था तो जब जब कभी कभी हम लोग का गेट टूगेदर होता था तो मैं उनके गाना से बहुत बहुत इम्प्रेस हुआ करता था और हमेशा सोचता था कि ऐसा कोई मुझे साथी मिल जाए बहुत डीप वॉइस और ऐसा कोई मिल जाए और फिजी में हम जाके संगीत का प्रचार करें देखिए भगवान का कृपा होता है ना कभी सच्चे दिल से कोई कुछ मांग करता है उसको मिलता है आज उनको भी हम याद कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जरूर उनका योगदान संगीत में फिजी में काफी रहा है आपके साथ साथ उन्होंने बहुत सहयोग दिया टीचर देखो प्रिया भी प्रैक्टिस करेगी जी प्रिया भी गाती है माँ के जैसे एकदम आवाज प्रिया है माँ की आवाज तो ज्यादा अच्छा है लेकिन प्रिया भी उस लेवल में हो सकती है जी जी ट्रेनिंग करके सरल दास भी जो है आपके पुत्र वो भी थोड़ा ऐसे कलाकार को पसंद भी किए कोई ऐसे लोकल आर्टिस्ट यूपी जी के
जो अभी है या नहीं है या ऐसे कुछ, आप उनको उनका नाम और लेना चाहते हैं जो योगदान दिया? वैसे तो बहुत लोग जो पुराने लोग में से, तो ऐसे हम हमेशा ये कहेंगे कि जैसे रहमजुल्ला के पिताजी अजीजुल्ला और माइकल जोसफ और रसूल गनी अख्तर, ये बहुत नामी लोग थे उस वक्त के, और मुझे इनके साथ तबला बजाने का भी मौका, अजीजुल्ला के साथ तो मैंने बजाया, उनको देखा भी नहीं कभी, लेकिन उनका जैसे नाम सुनते रहे, गाना सुना रेडियो में, और माइकल जोसफ पल्लिकाजी जो हैं उनके साथ तो मैं बहुत बजाया, और डॉक्टर साहू खान, लेकिन हिंदुस्तान का सीखा हुआ नांदी में सुंदर जी कालिदास थे, बहुत ही अच्छा। और उस वक्त फिजी में जो हमारे कांजी भाई जोगिया जी है, रसिकलाल जोगिया है, उनके पिताजी भी बहुत अच्छा हारमोनियम वादक थे, हिंदुस्तान से जो सीख के आए थे, इनके साथ जो आनंदीलाल का पिता थे वो भी बहुत अच्छा ऑर्गनिस्ट था, अच्छा। इसलिए फैमिली में म्यूजिक है, और काफी योगदान रसिकलाल और तो कांजी भाई ने भी किया है म्यूजिक के क्षेत्र में। तो जैसे आपने पुराना कुछ नाम पूछा और नया, उस बीच में फिर जैसे कुछ लोगों का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे देवन शर्मा था बाबा का, और जेम्स बीसी प्रसाद था, नरेंद्र मलिक था तागुआ के, और ऐसे कई लोग हैं जैसे भी नाम तो आम नहीं रहा है, सुब्बैया चट्टी एक लड़का था लोटोका में, वो बहुत एली में गुजर गए हैं, फिर विवेकानंद जी हैं सुबह में, और हमारे भाई बदान दास भी थे फिजी में, काफ़ी अच्छा इन्होंने भी योगदान किया है, गाना गाया है। और मैं एक लड़के को शाबाशी जरूर दूंगा, सुभद्रा नायडू जो है, एकदम समुंदर के किनारे रहती थी नमाता में, और कम पढ़ी लिखी, लेकिन जब वो गाना गाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे लता मंगेशकर या आशा भोसले गाती है, और एकदम कॉपीराइट करती थी, एक मिस्टेक नहीं करती थी। तो वो एक लड़की आज तो टोरंटो में है, कनाडा में, मालूम नहीं वो गाती है कि नहीं गाती है, लेकिन हमारे गिलो जो म्यूजिक क्लब उसके लिए बहुत योगदान दिया है। फिर वैसे प्रकाश नारायण जी थे और काफ़ी लोग और थे, शिवचंद वर्मा थे, आर्यन स्वामी थे, डेनियल स्वामी थे, एन एस दास, ये लोग सब काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। फिर बाद में जब मेरी पत्नी आई तो हम लोग फिर योगदान दिया है। किशोर नायर जी मेरे भाई, जी हाँ, वो अपना अपना क्लब चलाते थे, लेकिन काफ़ी काम उन्होंने भी किया आपके बड़े भाई, बहुत सुंदर आवाज़ था उनका, मनाडे का ही गाना गाते थे, जितना मनाडे फिजी है उनका तबला उनका हारमोनियम सब खरीदे थे, तो उनका एक श्रद्धा मनाडे के प्रति था, तो देखने योग्य थी और समझने योग्य थी, और उनका गीत वो बहुत अच्छा से गाते थे, मुझे तो बहुत गाने के साथ में तबला बजाया हूँ, मैं जानता हूँ कितना अच्छा कलाकार थे। और ऐसे बहुत लोग हैं इंद्रन जी, अब तो मॉडर्न टाइम्स आ गया है, इंटरनेट का ज़माना है, फिल्म का ज़माना है, और टीवी का सब है, अभी तो थोड़ा तो इसमें फैसिलिटीज हो गया है, लेकिन क्या क्वालिटी नहीं रहेगा, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, आप समझते इस बात को ना, क्वालिटी नहीं रहेगा, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उसको मुफ्त में मिल जाता है सब चीज़, तो क्यों मेहनत करेंगे। पहले आप जानते हो कि गांव में कैसे बेचारे स्त्रियां कपड़े लेकर नदी में जाके उसको पीट पाट के अच्छी तरह से धो के घर लाते थे, अब तो वॉशिंग मशीन मिल रहा है सबके घर, इलेक्ट्रिसिटी है, पहले इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, हम लकड़ी काट काट के ला के सब काम चलाते थे, तो जमाना बंदी हो गया ना। जी जी जी, अच्छा, आपने भी काफ़ी योगदान दिया पीजी में और टीचर्स कॉलेज में, आपने शिक्षा दिया नसीनू टीचर्स कॉलेज, फिर लटोका टीचर्स कॉलेज से आपने अवकाश ग्रहण किया, और अभी फिलहाल आप मेरे ख्याल से जो इंडियन कल्चर सेंटर सेंटर में जो प्लाजेस उसका मैं देखभाल करता हूँ म्यूजिक का, तो चंद्रानी भी है, डांस के साइड रहती है, और मैं हारमोनियम तबला गाने का मैं बहुत सुंदर काम आप कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग आपके जो नॉलेज है, स्किल है, और आपका जो विद्या है, इससे जरूर फायदा उठाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, शायद आप समाप्त करने वाले हैं इंटरव्यू, मैंने बहुत गाना लिखा है,
फिजी के सीन में मेरा गाना लोग बहुत चाव से गाते हैं लेकिन जानते नहीं कि मैंने लिखा हूँ क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत कम हुआ है. रेडियो वाले जब कभी बजाते तो नाम भी नहीं देते. तो स्कूल्स में मैंने जितने टीचर्स को टीच किया काफी गाना मेरा यही हमारा नारा फिजी देश हमारा हमारा मन मचलता गीत गाता हे प्रभु करुणा दया के सागर ज्ञान का तू सुंदर घर है एफ टी यू का जो कहानी है और गिरमिट वाला भी जुल्म और सितम के मानव की गिरमिट की अमिट कहानी वो फिल्म में हम लोग कोरस में गाए थे. जी हाँ और वो फिल्म में भी उसको लिया है द लास्ट डेकेड एंड गिरमिट. अच्छा? ये गाना उसमें मैं गा रहा हूँ लेकिन कभी एक्नॉलेज नहीं करते कि दास का कॉम्पोजिशन है सब. तो फिजी में क्या गड़बड़ी है कि हिंदुस्तान का जो चीज है कुछ भी रे कैसा भी रे तो अच्छा लगता है और लोकल पर कुछ करते हैं तो उसका कोई मान जान नहीं होता. ये इसलिए नहीं होता है मुझे मालूम होना चाहिए जबकि हमारे देश है हमारे संतान है और उनका जो प्रोडक्शन है उसको जस्ती अहमियत देना चाहिए और उसको प्रमोशन उसका करना चाहिए सही ढंग से. ये फिजी में नहीं हो रहा है खेत की बात है. खैर हम अपना रामायण तो नहीं गा सकते हैं ना ये लोगों को भी पहचान में नहीं आता है जी. और अभी तो फिजी का जो माहौल बन गया है. अच्छा संगीत में अगर कोई आदमी सीख रहा है कुछ ऐसे कुछ आप हिंट्स देना चाहते हैं जो हमारे सुनने वाले लोग हैं इनके लिए कि कैसे रियाज करना चाहिए क्या जैसे संगीत में या तबला में कोई भी इंस्ट्रूमेंट में बेसिक्स जो हम लोग बोलते हैं ना जी 12 सुर है 12 सुर का ज्ञान होना चाहिए. सा से पकड़ के वो 12 सुर जैसे भी सारे 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 ग सारे ग कोमल ये जितना शुद्ध स्वर है ये सब समझ में आना चाहिए. तो जब हम गाना सुनने का चीज है लिखने का चीज नहीं है. जो लोग लिख के सोचते हैं कि हम कर लेंगे नहीं कर पाएंगे कभी बहुत मुश्किल होता है. गुरु लोग का कहना है कि कभी गाना मत लिखो सुनो उसको ठीक से कि श्रुति है सुनने वाला लिखने वाला चीज नहीं है. जैसे मान लो कि ऐसे किया ना उसको कैसे लिखोगे आप. तो ये सब बातें सुनने का है सा क्या ना तो कैसे लिखोगे उसको बहुत मुश्किल होता है लिखना. वो हम उसका स्केलेटन लिख सकते हैं सा सा गा 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 कर सकते हैं लेकिन वो गाना का जो जो भाव है उसका जो आरोह वर्ण है उसका जो अवरोह वर्ण है वो नहीं आ सकता. तो इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि सा किस तरह से ठोस कैसे लगना चाहिए वहाँ से कैसे सुरों को बढ़ाना चाहिए. तो ये बहुत मेहनत का काम है. जो करता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है जो नहीं करता है तो वो जहाँ रहता है वहीं रह जाता है. उसी तरह से तबला का भी बोल है जैसे उसको लय में बोला जाता है दो मात्रा के जैसे दो बोल के शब्द है तीर्थ एक बोल के शब्द है ता धा और चार बोल का तीटे कीटे राइट धागे धीना गीना कितना हो गया धागे धीना गीना छे का हो गया. इसी तरह से तबला का साउंड है प्राण धीरान घिड़ान धीर धीर गिर तक ये जब तक इसका बेसिक्स नहीं आएगा इसको सही तरह से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये उंगलियों का जो मैनिपुलेशन है जो मिलाना होता है तिरकुट किस तरह से मिलाना चाहिए दिना गिना तिया लगा के कैसे हम धा पे सम उसका ला के छोड़े वो नहीं बन सकता है. अंदाज से कर सकते हैं लेकिन अंदाजी मार्ग तो अलग होता है और जान के करना वो अलग होता है. तो इतना फर्क पड़ता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वार्तालाप के लिए और आपको भी धन्यवाद आपने ऐसा मौका निकाला कि आपका और हमारा कुछ बातचीत हो क्योंकि हमारा दिल का संबंध है गहरा संबंध है और I'm very thankful. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपसे कुछ सुनेंगे और